कांड में वैसे तो इंचार्ज राजेंद्र भी थे, वो ट्रेन के इंचार्ज हुई थे, मैं भी उनके साथ में सही इंचार्ज था। आप ट्रेन पे थे? नहीं मैं नहीं गया, मेरे वो शुगर के प्रॉब्लम से मैं रुक गया था। तो नाम था मेरा, रिजर्वेशन मेरे नाम का था। जो कांड हुआ गोधरा कांड, तो उसमें 8 बजे तो यहाँ पुलिस आ गई थी मेरे वहाँ। बोले रमेश भाई, मैंने बोला बोलो क्या है कि आप गए नहीं अयोध्या? मैंने बोला नहीं गए। वो उसी से मेरे को मालूम पड़ा, वैसे मेरे को पता ही नहीं था मैंने। तो मैंने क्या, वो तो वहाँ पे गोधरा में तो ऐसा हुआ है, S6 के डब्बे में आग लगा दी गई है, और वहाँ पे बोले उस चार्ट के अंदर जो रिजर्वेशन बने थे उसमें आपका नाम था, राजेंद्र भैया आप वो दूसरे चार्ट दर्शन थे, ऐसा नाम थे। फिर 9:30 बजे वहाँ से फोन आया कि भाई रमेश भी ऐसी बात है, राजेंद्र भाई का फोन है, राजेंद्र भाई का है वो। मेरे को बोले आप, मैं बोला अच्छा मैं कोई बात नहीं 12 बजे तक गोधरा पहुँचता हूँ। तो उन्होंने बोला गोधरा आने की जरूरत नहीं, गोधरा दूसरे लोग आ रहे हैं, कंट्रोल परिस्थिति वहाँ थोड़ा ठीक करना है। कोई बात नहीं। तो उस समय फिर रोने लगे राजेंद्र भाई, यार अपनी सात क्लासें गिर गई है यार, उनका वनडे खेल रहे हैं अभी, वनडे खेलना है 600 को। मैंने कोई टेंशन मत लो, भगवान की कृपा है हो जाएगा, जो भी होने वाला है। फिर यहाँ पे लासी वगैरह लाई है, मैं भी रात को गया था, दृश्य देख के बड़ा, मैंने भी तस्वीरें देखी विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय में, हम सब गए फिर रात को, और जो एक माहौल देखा वो बड़ा हचमचाने वाला था उस समय। उसमें क्या हुआ तो वो रिएक्शन सभी को दिखाया, सभी लोगों ने देखा वो माहौल। तो उनको ऐसा है कि इतने वर्षों से नरेंद्र भाई ने भी अच्छा उसमें सहयोग दिया, नरेंद्र भाई ने। ये पूरा डबगरवाड़ इलाका है, ये दरियापुर है, अभी तो हिंदू कम होते जा रहे हैं, मुस्लिम ज्यादा बढ़ रहे हैं। बस ये भी हमारा बॉर्डर है, ये मकान के पीछे ही सब वो इलाका है उसका। यहाँ भी उस समय गोधरा कांड के समय रात को करीब 11 बजे से दंगा चालू हुआ था, तो दूसरे दिन सुबह 11 बजे तक हमने फाइट किया था। अच्छा उधर से भी फायरिंग करी उन लोगों ने? वो लोग नहीं, इस बार तो पूरा हिंदुओं के पड़ने का। उस समय मेरे को सौंपा गया था माधोपुरा, बगल में ही है वहाँ, करीब रायोटिंग के 127 केस हुए, 302 के उसमें करीब 15 केस थे। तो मेरे को सौंपा था, ये आप संभालो, ये आप जो भी है। लेकिन क्या हुआ ना कि जो 20-25 साल से हमारी नजरों में जो लोग थे उनको चुन चुन के मारा इस बार, इसमें ये हुआ। और ये जो हम वीडियो कैसे भी बनवाया था वो सब दिखाया, वो जगह जगह आना वगैरह सब किया। लेकिन वो क्या हो गया, ये एक आक्रोश होता है, वो मैंने कहा ना कि ज्वालामुखी जो दबा हुआ था ना वो उसी समय एकदम फट गया काफी, लेकिन वो नुकसान तो बहुत हुआ है। नहीं उस दिन तो वो तो फिर क्या हुआ कि गोधरा में तो वो कर दिया, नहीं तो हमारा तो प्लान था पूरा गोधरा जला देने का, यही प्लान बनाया था। लेकिन फिर यही सब ये लेके आना समाज संभालना, और फिर वहाँ पे सब VVIPs की विदेश लग गई। हाँ वो सब सोनिया गांधी आ रही हैं, सोनिया आई, वो सब आए, प्रतिकार तो बहुत ही है, बहुत प्रतिकार, बहुत प्रतिकार यानी जबरदस्त। कितने कितने लोग मारे गए? अब करीबन यहाँ अंदर में तो मेरा मानना है वहाँ तक तो करीब 60-70 लोग ही मरे। लेकिन जो प्रतिकार हुए वो ऐसा रहा, और फिर हमने ऐसे कालूपुर दरियापुर में क्या किया कि ये सब क्या करते हैं कि जहाँ भी जैसे इनका एक 3 इलाके हैं, 4 इलाके यहाँ, एक जुआपुरा, एक
एक शाहपुर, एक दरियापुर और एक कालूपुर, ये लोग क्या करते थे कि सभी जगह से जंगे करके यहाँ आके छुप जाते। मेरी तो इतनी खुल के बात हुई, हरीश भाई ने मुझे बताया कि कैसे हरीश भाई भट्ट, हाँ, कि उनकी फैक्ट्री पटाखे वाली फैक्ट्री में कैसे उन्होंने बम बनाए, हम बनाए सब यहाँ पे, तो यहाँ पे यहाँ नहीं होते थे हम, लोग बाहर चले जाते। गोधरा जिस दिन हुआ उसके बाद अपनी विश्व परिषद की कोई मीटिंग हुई, कोई रणनीति तय हुई, कोई मीटिंग हुई अपनी, कॉमन स्ट्रेटेजी हम लोगों ने बनाई कोई? नहीं, वो हुआ तो सही, उस समय ऐसा था कि माहौल गर्म है और संगठन में काम आएगा, और उससे संगठन भी बड़ा था, एक समय ऐसा था। जैसे जिस दिन गोधरा 27 तारीख को हो रहा हुआ ना, तो उसी दिन या उसके बाद कुछ अपने जो शीर्ष नेता थे अहमदाबाद में, वो एक दूसरे के टच में रहे कि कुछ रणनीति बनाए, क्या करें? कर्फ्यू लगा तो शायद मिल नहीं सकते थे या नहीं? हमारा तो कर्फ्यू तो आज की तारीख में भी लगा हो तो भी बाहर चले जाते, और नहीं है तो हम तो वैसे रोड पर भी निकल जाते। समय हुआ 8-10 बैठे थे बदला तो लेना ही है, और एक बार दिखा दो तो 8-10 साल की शांति हो जाएगी। पुलिस में बहुत सही इसीलिए तो ये मानव अधिकार वाले पर जो आए उनको ये सब उन्होंने जो देखा है उसमें कहा कि राजकीय नेताओं की भी भूमिका रही, पुलिस का कुल मिला के समाज के जो भी, क्योंकि पुलिस क्या था एक बात, तो पुलिस भी तो हिंदू थी, कहीं 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 वो बोलते हैं कि हमारा कहीं नाम मत लेना, लेकिन बहुत सब 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 पुलिस वाला, सब पुलिस वाला, यहाँ तक कि नहीं कहना चाहिए कारतूस भी बोला। नरेंद्र भाई ने भी अच्छा उसमें सहयोग दिया। उस समय क्या रिएक्शन था उनका जब गोधरा पहुंचे या गोधरा के बाद जब वापस आए? क्या था, उन्होंने बहुत उनको खुद को आक्रोश जबरदस्त था, संघ का स्वयं सेवक था बचपन से, वो तो आक्रोश उनका ऐसा, वो आए नहीं बाहर, लेकिन पुलिस वगैरह सब निष्क्रिय हो गए,